प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उसमें भी वो घर महिलाओं के नाम पर ही रजिस्ट्री होते हैं। महिलाओं के नाम पर ही घर मिले इसी को प्राथमिकता दी जाती है, वरना हमारी समाज रचना ऐसी है कि परिवार में जमीन है तो पति के नाम पर, गाड़ी है पति के नाम पर, बंगला दुकान घर कुछ भी है पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो सारा का सारा बेटे के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ होता ही नहीं है। हमने इस परिस्थिति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में सारे घर महिलाओं के नाम देने का निर्णय कर लिया। साथियों, पहली बार बेटियों को किचन के दायरे से बाहर योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में पहली बार बेटियां फाइटर पायलट बनी है। अब तो मिलिट्री पुलिस में भी बेटियों की भर्ती की जा रही है। कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन पालन के लिए पर्याप्त समय मिल सके इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 15 करोड़ ऋण से लगभग 11 करोड़ यानी करीब करीब 75% ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई है। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण उपलब्ध कराया गया है। ये राशि वर्ष 2014 के पहले के 4 वर्षों में दिए गए ऋण से 2.5 गुना ज्यादा है। साथियों, इस साल के बजट में भी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, चाहे वो आंगनबाड़ी या आशा वर्कर हो, राष्ट्रीय पोषण मिशन हो, बच्चों से जुड़ी योजनाएं हो, इनका विशेष ध्यान आपने बजट में देखा होगा। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान पर अगर मैंने इतना बल दिया है तो उसके पीछे देश की बहन बेटियों की गरिमा है, उनका सम्मान है। साल 2014 में जब आपने मुझे प्रधान सेवक का दायित्व तो सौंपा, उस समय स्थिति यह थी कि देश में लगभग 30 करोड़ बहनों को टॉयलेट के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। अनेक बेटियां इसलिए स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां बेटियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। इस सच्चाई के साथ तो मैं बचपन से ही जीता आया हूं, लेकिन करोड़ों बहनों की पीड़ा ने मुझे झकझोर दिया। यही कारण है कि लाल किले से मैंने देश की बहन बेटियों को इस अपमान और पीड़ा से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उस समय आपने भी देखा होगा कि जो पहले सत्ता में थे उन्होंने कैसे कैसे मेरा मजाक उड़ाया था, न जाने मुझे क्या क्या कहा गया, कितनी आलोचना की गई। ये कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले से टॉयलेट की बात करता है। मेरी सोच और समझ को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई। साथियों, ये टिप्पणी करने वाले या तो वो लोग थे जिनको बहनों की पीड़ा की परवाह ही नहीं थी। मुझे इस पीड़ा की जानकारी भी थी और करोड़ों बहन बेटियों की परवाह भी है।
इसलिए मुझे सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोगों के तंज कभी नहीं चुभते। मेरा अपमान वो करते रहे लेकिन करोड़ों बहन बेटियों को सम्मान की जिंदगी, इज्जत घर, ये कैसे मिले, जल्द से जल्द कैसे मिले, इस बात को मैंने मन में ठान के रखा है और जी जान से उसके लिए जुटा हुआ। साथियों, मुझे खुशी है कि आप सभी ने, देश के हर सामान्य मानवी ने मेरी इन भावनाओं को समझा और पूरी शक्ति से सहयोग दिया। परिणाम यह है कि आजादी के लगभग 70 वर्षों में स्वच्छता का जो दायरा करीब 40% था, वो आज 98% तक पहुंच चुका है। 4.5 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। 600 जिलों के 5.5 लाख गांवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान से बहनों और बेटियों को अपमान और पीड़ा से मुक्ति तो मिल ही रही है, रोजगार का भी ये बड़ा माध्यम सिद्ध हो रहा है। एक अनुमान है, इस अभियान की वजह से करीब करीब 45 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इस अभियान ने रानी मिस्त्रियों को, हमारी यहां पहले परंपरा थी राज मिस्त्री, ये स्वच्छता का अभियान है जिसने राज मिस्त्री के बदले रानी मिस्त्री को जन्म दे दिया और इन रानी मिस्त्री को सबसे अधिक सशक्त किया है, क्योंकि टॉयलेट बनाने से जो ट्रेनिंग उनकी हुई है उसको वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर बनाने या दूसरों के घर बनाने में भी इस अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का, अपने कौशल्य का उपयोग कर रहे हैं। साथियों, आपके प्रयासों की वजह से आज स्वच्छ भारत मिशन एक अहम पड़ाव पर है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जन्म जयंती मनाएंगे, हमने उन्हें स्वच्छ भारत का वादा किया हुआ है, जिस वायदे को पूरा करने में नारी शक्ति के नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो शौचालय बने हैं उनका इस्तेमाल भी हो। स्वच्छता को हमें गांव गांव, घर घर का संस्कार बनाना है। आप में से अनेक बहनें अपने गांवों की सरपंच हैं,